डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको लेके जा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साइंस सिटी में। अभी हाल ही में 16 जुलाई 2021 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कुछ नए आकर्षणों का अनावरण किया है, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। साथियों, बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए मनोरंजन के साथ साथ उनके सीखने और उनकी क्रिएटिविटी को भी स्पेस मिलना चाहिए। साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। गुजरात साइंस सिटी हफ्ते के सातों दिन खुला रहता है और इसका समय अभी कोरोना की वजह से सुबह 10 बजे से शाम को 8:30 बजे का कर दिया गया है, अन्यथा यह 8 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको टिकट काउंटर मिलेगा, जहां से आप इस पार्क की एंट्री और अन्य आकर्षणों के टिकट खरीद सकते हैं। इसके चार्जेस मैंने यहां पर आपको अलग से दिखा दिए हैं, तो आपको अपने मुताबिक टिकट यहीं से खरीद लेना है। टिकट विंडो से अंदर भीतर आते ही सामने एक बड़ा विशाल पार्किंग एरिया है। यहाँ पर पार्किंग के लिए आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध है। पार्किंग लॉट के सामने ही मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर आप नॉर्मल कैमरा नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आप अपने मोबाइल से यहाँ पर फोटो और वीडियो निकाल सकते हैं। जैसे ही आप साइंस सिटी में प्रवेश करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह के साइन बोर्ड्स नजर आते हैं, जिसमें देश और विदेश के प्रसिद्ध साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। वहाँ से आगे बढ़ने पर आपको यह विशाल एम्फी थिएटर नजर आएगा। यह काफी बड़ा ओपन एयर थिएटर है। यात्रियों की सुविधा के लिए ज्यादातर हर चौराहे पर इस तरह के साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, ताकि आपको रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। वहीं से आगे बढ़ने पर हमारे सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग था, जिस पर लिखा हुआ था बियॉन्ड प्लैनेट अर्थ, लेकिन वह इस वक्त बंद था, तो हम यहाँ पर नहीं जा पाए। और वहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर हम पहुँच गए नेचर पार्क में, जो कि यहाँ के नए 3 आकर्षणों में से एक है, जिनमें नेचर पार्क, एक्वाटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी है। नेचर पार्क में प्रवेश करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क चुकाने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके एंट्री टिकट में ही इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ का एंट्रेंस देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह नेचर पार्क हमारे नेचर को समर्पित है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या आकर्षण है। अंदर प्रवेश करते ही आपके सामने सबसे पहले यह घूमता हुआ पृथ्वी का गोला दिखाई देगा, जिसपे साइंस सिटी और नेचर पार्क लिखा हुआ है। उसी के बगल में यहाँ पर नेचर पार्क का एक मैप है, जहाँ पर आप नेचर पार्क में कहाँ कहाँ घूमना है और कहाँ पे कौन सी जगह स्थित है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है, जहाँ पर काफ़ी सारे राइड्स है और अलग अलग तरह के सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप यहाँ पर खुद को सेल्फी या फोटो लेने से रोक नहीं पाएंगे। वहीं आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा विशाल फाउंटेन है, यह फाउंटेन भी काफ़ी खूबसूरत है। फाउंटेन से आगे लेफ्ट साइड पर बढ़ने पर और एक उद्यान आता है, जहां पर ऐसे जानवरों को दर्शाया गया है जो अभी पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। वहीं से कुछ आगे बढ़ने पर आता है मिस्ट फॉरेस्ट। मिस्ट फॉरेस्ट, जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे कि यहाँ पे मिस्ट उड़ता होगा, मतलब धुंध होगी, और यह जो है इसका आकार एक सांप की तरह है और ये बांबू के पेड़ों से बनाया हुआ है, लेकिन पता नहीं किस वजह से ऊपर यहाँ पे जो मिस्ट उड़ाने वाले जो फाउंटेन या जो पाइप होते हैं वो तो लगे हुए थे, लेकिन उसमें से मिस्ट आ नहीं रही थी, तो शायद हो सकता है किसी वजह से यह अभी बंद हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें चलने में काफ़ी मज़ा आया। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर आए, तो सामने की तरफ यह विशाल जो आर्टिफिशियल इन्होंने पॉन्ड बनाया हुआ है, हालांकि इसको मतलब नौका विहार के लिए बनाया हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई भी नौका उपलब्ध नहीं थी, तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ अंदर फाउंटेन्स ही थे। शायद किसी वजह से अभी बोटिंग यहाँ पर शुरू नहीं की गई थी, लेकिन बोटिंग होती तो मज़ा आता। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि पूरी साइंस सिटी में दोस्तों चलने का मतलब बहुत है, अगर आप में भरपूर स्टैमिना हो तो ही आपको यहाँ पर मज़ा आएगा, क्योंकि इतना चलना है कि
मतलब आप चलते चलते थक जाओगे, आपका पूरा दिन चलने में ही जाने वाला है। और एक यहाँ का दूसरा आकर्षण है भूल भुलैया, यानी कि जिसे मेज़ गार्डन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर सेंटर में एक डायनासोर को रखा हुआ है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो मैंने भी अपने बेटे के साथ में रेस लगाई, मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम लोग सब अलग अलग रास्ते से गए और देखना था कि कौन सबसे पहले पहुँचेगा। लेकिन मैं और मेरी वाइफ हम यहाँ पे पहले पहुँच गए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेंटर में डायनासोर है यहाँ पर आपको पहुँचना होता है। और ये अभी मेरा बेटा तो अभी दूर है, वो आ रहा है। हालाँकि जो अगर आप लेफ़्ट से जाओगे तो वो रास्ता जो है वो थोड़ा सा लंबा है और राइट साइड वाला रास्ता छोटा है। और ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग उद्यान बने हुए हैं, जिसमें अरोमा गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। बटरफ्लाई गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत है, इसे ऊपर से देखने में बिल्कुल बटरफ्लाई के शेप के जैसा बनाया गया है। तो ऊपर से अगर आप इसका जो अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि बटरफ्लाई का शेप है ये। और उसी के पीछे एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड बनाया हुआ है, जो कि मतलब मार्बल का चेस बोर्ड है और उस पर बहुत बड़ी साइज़ की चेस की गोटियाँ रखी हुई है। तो यहाँ पर भी आपको टाइम पास करने में बहुत मज़ा आएगा। और वहीं से कुछ आगे बढ़ने पर आपको ये इस तरह के जो मधुमक्खी और जो टर्माइट्स होते हैं उनके क्रॉस सेक्शंस के बताए, मतलब उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। बच्चों के लिए यह जो जगह है ये जानकारी से भरपूर है, मतलब जो क्लासरूम में सीखते हैं उससे ज़्यादा उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिकल समझ में आएगा, इस तरह से इसे बनाया गया है। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज पार्क और एक कुटीर वन भी है। और वहीं से आगे बढ़ने पर जो अलग अलग मैंने बताया आपकी जो विलुप्त हो गई प्रजाति है उसमें से कुछ जो जानवर है उनको यहाँ पे दर्शाया गया है, जिनमें से एक है यह जेफरसन्स ग्राउंड स्लॉट। इन हर जानवरों की जानकारी इनके बाजू में एक साइन बोर्ड पे दी गई है, ताकि आप इनकी बारे में और अधिक जानकारी ले सकें। और वहीं उसके सामने स्थित है सेबर टूथ लायन, जिसके बारे में हमने आइस एज पिक्चर में ज़रूर देखा होगा। और उसी का सबसे मेन कैरेक्टर है यहाँ पर वुली मेमथ, जो भी आइस एज में हमने सबने देखा है। और यहाँ पर यह सब बीच में सबसे बड़ा आई लव नेचर पार्क का साइन बोर्ड रखा हुआ है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी तस्वीर खिंचाते हैं ताकि एक यादगिरी अपने साथ में रह जाए। नेचर पार्क से कुछ ही आगे बढ़ने पर आपको सामने एक अर्थ आकार पृथ्वी का गोला दिखाई देगा, यह है प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ में आपको हमारी पृथ्वी के बारे में काफ़ी विस्तार में बताया गया है। तो चलिए चलते हैं प्लैनेट अर्थ। दोस्तों वैसे तो हम इस जगह पर काफ़ी साल पहले भी आए थे, और तभी यह प्लैनेट अर्थ यहाँ का एक मुख्य आकर्षण हुआ करता था। और उस वक्त यहाँ पर आने के लिए आपको अलग से टिकट भी खरीदना होता था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको एंट्री के लिए कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, यह आपकी एंट्री टिकट में इंक्लूड किया हुआ है। प्लैनेट अर्थ में प्रवेश करते ही आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आप किसी स्पेस स्टेशन में आ गए हो। यहाँ पर हमारे पृथ्वी के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ के वन, यहाँ के समुद्र इत्यादि। यहाँ पर एक सेंटर में इस तरह का कंसोल है जहाँ पर फिजिक्स के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को भी दर्शाया गया है। लेकिन जब हमने देखा तो हमें पता चला कि इसमें से आधी चीज़ें जो है ये काम ही नहीं कर रही है। अभी ये किस वजह से था हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ की जो कंडीशन थी ये काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। ऐसे लग रहा था कि इसे काफ़ी समय से मेंटेन ही नहीं किया गया है। हालाँकि काफ़ी चीज़ें चल भी रही थी, तो हमने बच्चों को समझाना शुरू किया। और वहीं पर एक ओशन जोन भी है जहाँ पर हमारे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों को भी रखा गया है। तो मेरे बेटे को लगा कि शायद यही एक्वेटिक गैलरी है, लेकिन मैंने उसे बताया कि नहीं भाई, यह एक्वेटिक गैलरी नहीं है, यह तो यहाँ का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। और उसके आगे हमारे पृथ्वी के बारे में भी यहाँ पर जो हमारा कोर है, अर्थक्वेक है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर एक साइक्लोन टनल भी है, मतलब इसे साइक्लोन स्टिम्युलेटर कहा गया है, कि यदि अगर आप साइक्लोन में फंसे हो तो आपको यहाँ पर किस तरह का अनुभव होगा। तो चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक पूरी गोलाकार टनल है जिसमें ऊपर ज़ोर से आपके ऊपर हवा आती है और आपका आवाज़ जो है ये बाहर नहीं जाती और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती। उसके अलावा यहाँ पर एक फॉरेस्ट का मॉडल भी बनाया गया है, जिसमें आप बटन दबाने पर उस जानवर पर लाइट स्पॉट होती है, जिससे बच्चों को पता चले कि कौन से जानवर कैसे होते हैं और वो जंगल में कैसे रहते हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आने पर यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें दर्शाई गई है। पहले यहाँ पर एक अलग अलग शो हुआ करते थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिटिंग है, टीवी है, तो यहाँ पर आप कुछ शो देख सकते थे जिससे बच्चों को और जानकारी मिले। लेकिन अभी फ़िलहाल सब कुछ बंद था,
पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स भी हुआ करते थे जो बच्चों को अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स है या जो सब चीज़ें हैं उसकी जानकारी देते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं था, आपको अपने से ही सब चीज़ें देखनी है और समझनी है। यहाँ पर ये इस तरह का ये कि ह्यूमन मतलब स्कल सिमुलेटर है, जो आप अगर आप साइकिल चलाओगे तो आपकी बॉडी मूवमेंट को ये रिप्लिकेट करता है, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो मसल्स है या आपकी जो बोन है ये किस तरह से काम करते हैं। और उसके सामने की तरफ ह्यूमन इवोल्यूशन का एक पूरा एक सेक्शन है जहाँ पर मनुष्य का विकास किस तरह हुआ वह दर्शाया गया है। और उसी के आगे है ये प्री हिस्टोरिक मतलब डायनासोर के समय का, जिसमें एक मूविंग डायनासोर भी है जो बटन दबाने पर हिलते डुलते हैं। और उसके ऊपर जाने पर आता है यह अर्थ का जो मतलब माइनिंग जो सब सिस्टम है उसके बारे, मतलब हमारे अर्थ में कितने मिनरल्स है, वो ऑयल फील्ड्स किस तरह से काम करती है, किस तरह से रिफाइनरीज काम करती है, ये जो पूरा ऑयल फील्ड का यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है जिससे पता चलता है कि भारत में कहाँ कहाँ पे किस तरह से माइनिंग होती है और कौन से मिनरल्स हमारे यहाँ पे धरती में पाए जाते हैं, उसका इस तरह से एक पूरा एग्जिबिट यहाँ पे रखा गया है। और उसके अलावा भारत के खदानों में पाए जाने वाले विविध पत्थरों को यहाँ पे दर्शाया गया है, और उसके साथ में उसे बताया गया कि उसे कहाँ पर इस्तेमाल किया गया, मतलब कौन से मॉन्यूमेंट्स में उसे इस्तेमाल किया गया है। और वहीं प्लैनेट अर्थ से बाहर निकलते ही पीछे की तरफ आता है रोबोटिक गैलरी। जी हाँ दोस्तों, रोबोटिक गैलरी भी अभी यहाँ के एक नए आकर्षणों में से एक है, और इसमें जाने के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाने की ज़रूरत है। इसकी एंट्री टिकट 250 है। हमने एक्चुअली अपने मेन एंट्री के टाइम पे इसकी टिकट नहीं ली थी, इसके लिए अभी हम पहले एक्वेटिक गैलरी जा रहे हैं जिसकी टिकट्स हमने ऑलरेडी ले ली है। और यहाँ पर इस तरह की मछली बनाई गई है जिसे कार के स्क्रैप में से बनाया गया है, और जैसे कि आप देख सकते हो ये प्लैनेट अर्थ के पीछे ही स्थित है। तो चलिए चलते हैं एक्वेटिक गैलरी में। दोस्तों एक्वेटिक गैलरी की बात करें तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गैलरी है, और इसका जो एंट्री टिकट है ये पर पर्सन 200 रुपीज़ का है, और इसकी टिकट हमने एंट्री टिकट के साथ ही मेन काउंटर से खरीद ली थी। अगर इसके निर्माण की बात करें तो यह जो बिल्डिंग है यह करीबन 15,000 स्क्वायर मीटर में स्थित है। जैसे ही आप एंट्री करते हो तो आपके सामने दोनों तरफ ये विशाल बड़े फिश टैंक नज़र आते हैं, और जिसमें काफ़ी खूबसूरत मछलियाँ रखी हुई है, और यहाँ तक कि ऊपर की तरफ भी एक ओपन टैंक है, मतलब अगर आप देखो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आप पानी के नीचे से गुजर रहे हो। और वहीं से आगे बढ़ने पर यह हॉल आता है। यहाँ का जो मेन हॉल है यह काफ़ी ऊंचा है, और यहाँ पर एक बड़ी विशाल स्क्रीन लगी हुई है जिसमें समुद्री जीवन के बारे में फिल्में दिखाई जाती है। और यदि ऊपर की तरफ आप देखो तो आपको यहाँ पर अलग अलग किस्म की शार्क मछलियाँ नज़र आएगी। मेन हॉल के राइट साइड में रिसेप्शन एरिया है, जहां से आगे बढ़ने पर सबसे पहले इंडियन जोन आता है। इस एक्वेटिक गैलरी को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें इंडियन जोन, अफ्रीकन जोन, एशियन जोन और अमेरिकन जोन आता है। इंडियन जोन में प्रवेश करते ही आपको भारत की प्रमुख नदियों में पाए जाने वाली मछलियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस एक्वेटिक गैलरी में 188 तरह की प्रजातियों की मछलियों को 68 बड़े बड़े टैंकों में रखा गया है, और यहाँ पर करीबन 11,690 प्रकार की मछलियाँ हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इतनी खूबसूरत मछली अब तक मैंने सिर्फ डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पर ही देखी थी। कभी अपने सामने मैंने ऐसी मछलियों को नहीं देखा था, और मुझे पता भी नहीं था कि भारत की नदियों में या समुद्र में इतनी खूबसूरत मछलियाँ पाई जाती हैं। और जिस तरह से इस टैंकों में इन्हें यहाँ दर्शाया गया है, उससे आपके बच्चों में भी इसके बारे में काफ़ी उत्सुकता निर्माण होती है। और ये हमारी सबकी जानी पहचानी कैटफिश, हमने कई जगहों पर इन्हें देखा हुआ है, और जैसे कि आप इसे देखकर पहचान ही गए होंगे कि इसे कैटफिश क्यों कहा जाता है। यहाँ पर हर टैंक के बाहर इस तरह के साइनबोर्ड लगे हुए हैं जिससे आपको पता चले कि यह कौन सी मछली है, ये कहाँ पाई जाती है, और इसके बारे में सारी जो डिटेल्स है इस तरह के साइनबोर्ड्स पर लिखी हुई है। दोस्तों देखा जाए तो इतनी सारी टैंकों में रखी हुई मछलियों को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यह जो सारी मछलियां हैं इन्हें अगर वातावरण में या इनके पानी के टेम्परेचर में थोड़ा भी अगर फेरबदल आता है तो यहां पे ये ज़िंदा नहीं रह पाती। इसके लिए यहां पर यहां का जो पानी है इसकी रेगुलर पीरियड पे पीएच लेवल, सैलिनिटी और ऑक्सीजन लेवल और बायो ऑक्सीजन लेवल की यहां पे जांच होती रहती है। और जो काफ़ी सारी जो टैंक्स है, जो बड़ी बड़ी विशालकाय टैंक है, उनमें तो इन्हें अलग अलग जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वह उतारने पड़ते हैं इसकी साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें से जो कई मछलियां हैं ये समुद्र की मछलियां हैं
तो इन्हें समुद्र के खारे पानी में रखा जाता है। जो रिवर की मछलियाँ हैं, मतलब नदी वाली जो मीठे पानी की मछलियाँ हैं, इनके लिए यहाँ पर मीठा पानी रखा जाता है। तो देखने में तो ये हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन जब इन्हें बनाया गया या इन्हें मेंटेन करने की बात आती है तो यह काफ़ी मुश्किल बात हो जाती है। यदि आप चलते चलते थक भी जाए तो यहाँ पर बीच में आपके बैठने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, ताकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको चलना बहुत है, तो हो सके तो आप थोड़ा थोड़ा आराम लेके आगे चलते रहे ताकि आप थक ना जाएं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और इन मछलियों को देख रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट भी और बढ़ते जा रहा था, और साथ ही में जो हमारे बच्चे थे उन्हें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था कि इतनी खूबसूरत मछलियाँ उन्हें इतने करीब से देखने मिल रही है। यहाँ पर एक तरह का एक प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें मछलियों के जो ऑर्गन्स होते हैं इन्हें दर्शाया गया है। और जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सिल्वर अरवाना है। दोस्तों ये एक काफ़ी मतलब रेयर फिश मानी जाती है, और ये काफ़ी मतलब अगर आप खरीदने जाओ तो ये काफ़ी महंगी आती है। और आप जैसे देख सकते हो कि इसकी स्किन पर ये किस तरह के एकदम खूबसूरत से मतलब इस पर ये डिज़ाइन बनी हुई, मतलब इतनी शाइनी मछली मैंने शायद इतनी मतलब पास में से पहली बार ही देखी है दोस्तों। और ये जो भी आप मछली देख रहे हो इसे एलिगेटर गार कहा जाता है। इसे आप देखकर ही समझ जाओगे कि इसे एलिगेटर गार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह देखने में बिल्कुल एक एलिगेटर की तरह दिखाई देती है। देखिए इसका जो आगे का मुंह है ये बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह दिखाई देता है, और इसके स्किन पे जो पैटर्न है ये भी मगरमच्छ की तरह ही बने हुए हैं। और ये जो है ये अभी हम अमेरिकन जोन में आ गए हैं, और ये यहाँ की सबसे मतलब अमेरिकन जोन की सबसे फेवरेट मछली है जिसे मॉर्टर रे कहा जाता है। और ये जो है ये एक मतलब स्टिंगरे प्रजाति की मछली है, और आप देख सकते हो कि इसकी स्किन पर कितनी खूबसूरत मतलब बिल्कुल ऐसे कारपेट की तरह ये ऐसे हिल रही है। उसे देखने में ही हमें इतना मज़ा आ रहा था कि किस तरह से ये मतलब पानी में ऐसे लग रहा था जैसे कि फ्लोट कर रही हो। इसके जो पूँछ है इस पर एक स्टिंग जैसा काटा होता है, उसी वजह से इसे स्टिंगरे भी कहा जाता है। और ये जो कांटा होता है इसमें एक प्रकार का जहर होता है, अगर आप पानी में अगर आप इस पे पैर रख दो तो ये कांटा आपके पैर में चुभ सकता है, और जिससे आपको काफ़ी दर्द हो सकता है। और ये जो इसका नीचे की तरफ मुंह और इसके जो गलफड्स होते हैं ये नीचे की तरफ होते हैं। दोस्तों इतनी खूबसूरत और रंग बिरंगी मछली हमने इतने नज़दीक से पहली बार देखी, मतलब भारत में ये एक अपनी तरह का एक अनोखा मतलब एक्वेरियम में से कहना चाहूँगा। और ये जो मछली है ये भी काफ़ी मतलब खूबसूरत थी, और ये बहुत ही इंटरेक्टिव मछली थी, मतलब हम जैसे ही अपना मोबाइल लेकर इसके पास जाते थे तो ये तुरंत अपना वीडियो निकलवाने के लिए हमारे पास आ जाती थी, मतलब इसे हमसे बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत मछली है ये। और वहीं अगली टैंक में थी ईल,
जी हाँ दोस्तों, यह भी एक काफ़ी खूबसूरत मछली होती है, सांप जैसी होती है, इसे मोरे ईल कहा जाता है। और यह जो मछली, ये काफ़ी मतलब सुस्त थी, अभी हमने पता नहीं क्यों एकदम बैठी हुई थी एक ही जगह पर, लगता है शायद इसका ये आराम करने का समय होगा। एक्वेरियम का लेआउट भी काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, यहाँ पर टैंक्स को इस तरह से दर्शाया गया है कि आपको इसे देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और ये आ गई हमारी फेमस नीमो। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी का जो मूवी था फाइंडिंग नेमो, ये उसकी स्टार है। इसे क्लाउन फिश कहा जाता है। और वहीं तभी हमने एक बड़ी सी टैंक में देखा स्टिंग रे की और एक प्रजाति थी, जो इसे जैसे लग रहा था कि बिल्कुल पंछी की तरह उड़ रही हो। और जो टैंक के ऊपर जो चिपकी हुई थी, उन्हें तो देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे दो आंखें और एक मुंह और हमसे वो बात कर रही हो, बिल्कुल एक आदमी के चेहरे की तरह दिखाई दे रहा था उसे देखने पर। और वहीं स्टिंगरे को देखते हमारी नज़र और एक मछली पर पड़ी, जो ऐसे बिल्कुल जो रेत के साथ में मर्ज हो गई थी, जिसमें दिखाई भी नहीं दे रहा थी वहाँ पर एक मछली है, सिर्फ उसकी तो आंखें छोटी छोटी नज़र आ रही थी। और एंजल फिश के बारे में तो हम सब ने ही सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने घर के फिश टैंक में इसी मछलियों को रखते हैं। लेकिन जो हमने अपनी टैंक में जो एंजल मछली होती है, वो काफ़ी छोटी सी होती है, 1-1.5 इंच की होती है। लेकिन यहाँ पर हमने इतनी जायंट एंजल पहली बार देखी, ये करीबन हमारे हाथ से भी बड़ी थी दोस्तों। और वहाँ पर एक टैंक में स्टार फिश भी रखी हुई थी, लेकिन एकदम अकेली सी थी तो हमें पता नहीं था कि वो ज़िंदा है कि नहीं। और वहीं से आगे बढ़ने पर हमारी नज़र पड़ी यहाँ की शार्क टनल पे, जो कि इस एक्वेटिक गैलरी का मुख्य आकर्षण है। लेकिन उसके पहले कि हम शार्क टनल में प्रवेश करें, हमारा ध्यान इस टैंक पे गया जिसमें यह जेली फिश रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जेली फिश हमने आज तक कभी इस तरह से कभी देखी ही नहीं, मतलब हमारी आँखों के सामने। हालांकि यह जो जेली फिश है, ये काफ़ी ख़तरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसके जो टेंटिकल्स होते हैं, ये बहुत जहरीले होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ की शार्क टनल में। जी हाँ दोस्तों, ये जो शार्क टनल है, ये करीबन 28 मीटर लंबी शार्क टनल है। और इस शार्क टनल में बोनेट हेड शार्क, ग्रे रीफ शार्क और जेब्रा शार्क को रखा गया है, अन्य कई सारी मछलियों के साथ में। दोस्तों, आज तक हमने इस तरह की जो एक्वेरियम होती है, मतलब ये सिर्फ फॉरेन में जो वाटर पार्क होते हैं या वहाँ के जो एक्वेरियम होते हैं, वहीं पर हमने इस तरह की टनल्स देखी है। लेकिन आज हम पहली बार अपने भारत में इस तरह की शार्क टनल का एक अनुभव ले रहे हैं, और यकीन मानिए दोस्तों, ये अपने आप में ही हमें रोमांचित करने वाला है। हमारे आसपास और हमारे सर के ऊपर काफ़ी सारी शार्क मछलियाँ थीं, और जिसे देखकर हमें काफ़ी रोमांचित अनुभव, मतलब एक्साइटमेंट कितना था, मैं अपने शब्दों में आपको बयां नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इतनी खूबसूरत शार्क को मैंने इतने नज़दीक से कभी नहीं देखा था दोस्तों। और ये सब अनुभव करने के लिए आपको गुजरात की साइंस सिटी में ज़रूर आना चाहिए। मतलब मैं यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने 200 रुपये जो टिकट दी है, वो वर्थ है यहाँ पर, मतलब ये टोटली वर्थ है। मैं इसको 5 स्टार देता हूँ कि जो है एक्वेटिक गैलरी फ़िलहाल तो काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये शार्क किस तरह से जो जा रही है हमारे ऊपर से, तो हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हम समुद्र के तल में है, और हम मतलब हमारे अंदर वो एक पावर आ गई जिससे हम पानी में सांस ले सकते हो। तो दोस्तों, ये एक स्टार्ट टू एंड मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ, जिसमें आपको इस शार्क टनल के अंदर से गुजरने का अनुभव होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जब आप इसमें से गुजरोगे तो आपको कैसे महसूस होने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हो, आपके लेफ्ट साइड में भी ऊपर कुछ बना हुआ है, तो शायद मुझे लगता है ऊपर से भी इसको, क्योंकि हमने देखा ऊपर की तरफ भी कुछ लोग थे, तो मुझे लगता है शायद ऊपर से भी आप इस टैंक के अंदर देख सकते हो, क्योंकि शार्क है ज़्यादातर ऊपर की तरफ ही थी, नीचे शार्क ज़्यादा आ नहीं रही थी।
और जैसे आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो इसी टैंक का ये दूसरी तरफ इन्होंने बड़ा सा ये ग्लास लगा हुआ है, ताकि आपको यहाँ पर भी एक अलग ही एक्वेरियम के जैसा मज़ा आए। और जैसे ही हम इस शार्क टनल से बाहर आए तो जो मेन हॉल में आने पर ये इस तरह का इन्होंने एक दो फिश टैंक बनाया हुआ है, जिसमें एक ये डोम बना है जिसके अंदर आप जा सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर भी आपको एक अंडर वाटर एक्सपीरियंस मिलता है, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि आप पानी के अंदर और आपके आसपास ये मछलियाँ गुजर रही है। तो चलिए जाकर देखते हैं अंदर कैसा अनुभव होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मैंने अंदर से लिया हुआ है। तो इसमें आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप एक स्कूबा डाइवर हो और आप पानी के अंदर उतरे हुए हो और मछलियाँ और पानी सब आपके आसपास में है। और वहीं आगे बढ़ने पर इन सीढ़ियों से होते हुए आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो, जहाँ से आपको इसका जो सेंटर एरिया है काफ़ी अच्छे से नज़र आएगा कि किस तरह से ये सेंट्रल एरिया बना हुआ है। और ये जो बड़ी सी विशालकाय स्क्रीन है, इस पर किस तरह से आपको जो अलग अलग वीडियोज़ दिखाए जाते हैं। यहाँ पर ऊपर यात्रियों के लिए इस तरह का ये सोवेनियर शॉप भी बना हुआ है, जहाँ से आप अगर अपने लिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। और उसके बाजू में एक 5D थिएटर है, लेकिन अभी शायद हम जब गए थे तो कोरोना की वजह से उन्होंने या किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से बंद रखा होगा। और वहीं पर बाजू में एक छोटा सा कैफ़े भी है जिसका नाम टी पोस्ट है, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट या कुछ स्नैक्स ले सकते हो। और आगे की तरफ इस तरह के ये ओपन पूल रखे हुए हैं, जहाँ पर भी मरीन लाइफ की अलग अलग मछलियाँ यहाँ पे रखी गई है। इतनी विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियों को अपने कुदरती आवास में देखने का मजा ही कुछ और है दोस्तों, और इतना नजदीक से तो हम शायद कभी ने देख ही नहीं पाएंगे। और तभी हमने यहाँ पर एक लॉबस्टर को भी देखा, जो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, जो एक मतलब समुद्री झींगा जिसे कहा जाता है। और तभी एक छोटी सी टैंक में हमारी नज़र पड़ी एक अलग प्रकार के मेंढक के पर। ये मेंढक भी काफ़ी अजीब था, क्योंकि इसके पैरों में अलग से फिन्स बने हुए थे और ये एकदम से सफ़ेद प्रकार का मेंढक था, जो शायद ही हमने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा हो। और तभी हमने देखा कि यहाँ पर पेंगुइन्स का भी कुछ एक पार्क बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक शायद यहाँ पे पेंगुइन्स आए नहीं है। तो ये जो सेक्शन था ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। और जैसे ही हम वहाँ से आगे बढ़े तो हमारी नज़र पड़ी शार्क टनल के टॉप पार्ट पर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे से जो टनल थी ये ऊपर की तरफ भी जा रही, मतलब ऊपर से भी कुछ विंडो थे, तो ये फर्स्ट फ्लोर पर आने पर आपको उसका ये टॉप पार्ट देखने मिलेगा। और तभी हमने देखा कि सामने की तरफ एक स्क्यूबा डाइवर था जो इसका मेंटेनेंस, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए इन लोग स्क्यूबा डाइवर भी उतारते हैं, तो सामने की तरफ हमारी नज़र उस स्क्यूबा डाइवर पर पड़ी जो इस वक्त यहाँ पर तैर रहा था अंदर। शायद लग रहा था कि अभी इन मछलियों का यहाँ पे लंच टाइम है, क्योंकि किसी ने खाना डाला था और सारी मछलियाँ भी उस पर टूट पड़ी थी। दोस्तों, शार्क को देखने का जितना मजा नीचे से आया था, उससे कई गुना मजा हमें इन्हें ऊपर से देखने में आया, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी नजदीक से गुजर रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे शार्क हमारे साथ ही तैर रही हो। हमने मतलब मूवीज़ के अलावा कभी भी शार्क को हमारे इतने करीब कभी नहीं देखा था, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग मतलब शार्क को इतना नज़दीक से देख पा रहे थे। और जैसे कि आप देख सकते हो, आपको नीचे जो शार्क टनल है ये साफ साफ दिखाई दे रही है। शार्क के अलावा भी यहाँ पर और सारी खूबसूरत मछलियाँ भी रखी हुई है। दोस्तों, एक्वेटिक गैलरी में हमारा समय कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं चला, और मेरे हिसाब से तो आपको इस एक्वेटिक गैलरी में ज़रूर आना चाहिए। और अब बारी थी रोबोटिक गैलरी में जाने की, लेकिन रोबोटिक गैलरी में प्रवेश करते ही हमें पता चला कि इसे अभी टेम्पररी यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई VVIP गेस्ट आने वाले हैं।
और उसे जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मतलब हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी की कि सर हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं और हम मतलब अभी एक ही दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात सुनी नहीं कि नहीं हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि अभी फ़िलहाल यात्रियों को अंदर न जाने दिया जाए। तो ये एक बहुत गलत बात है दोस्तों कि वीवीआईपी लोग अगर आने वाले हैं तो आपको इस तरह से जो सामान्य नागरिक है, जो सामान्य विजिटर्स है, उनके लिए इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए। और एक बात आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो रोबोटिक गैलरी है उसकी एंट्री टिकट जो है ये 250 रुपीज़ है, लेकिन उसके अलावा अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंस आपको जो करने हैं उसके लिए आपको हर चीज़ के अलग अलग जो टिकट्स है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो उसके जो चार्जेस अगर आप मिलाने जाओगे तो पर पर्सन आपके अंदर करीबन 1500 से 1800 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो अगर आपको उतनी तैयारी हो तो ही आप इस रोबोटिक गैलरी में जाइए। वहाँ से निकल कर हम अब आ गए थे हॉल ऑफ स्पेस एंड साइंस में। यहाँ पर भारत में हुए तमाम स्पेस एक्सप्लोरेशन और मिशंस के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें चंद्रयान से लेकर मंगलयान और बाकी अन्य जितने भी स्पेस मिशंस हुए हैं इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा यहाँ का जो मेन हॉल है इसमें हमारे भारत के जितने भी मशहूर वैज्ञानिक थे इनके बारे में भी काफ़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। और यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह का स्पेस कैप्सूल का एक सिमुलेटर बनाया गया है, जिसमें आपको पता चल सकता है कि अगर स्पेस कैप्सूल जब भी स्पेस में होता है तो वहाँ पर किस तरह का माहौल होता है, मतलब अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वह किस तरह से बैठे हुए रहते हैं, और ये किस तरह से एक कटआउट बनाए गए जहाँ पर आप एस्ट्रोनॉट के साथ में खड़े रहकर फोटो निकालने का अनुभव ले सकते हैं, और एक इस तरह से और एक यहाँ पे एक जो स्पेस में सैटेलाइट्स होते हैं और अपना जो मतलब स्पेस स्टेशन है वो किस तरह का है, जहाँ से अपने जो अलग अलग PSLV और अलग अलग सैटेलाइट्स जब लॉन्च होते हैं तो वो किस तरह से लॉन्च होते हैं वो सब बताया गया है। उसके अलावा ये इस तरह का एक मिरर हाउस बनाया गया है जहाँ पर आपको भूलभुलैया जैसा अनुभव होता है कि चारों तरफ मिरर्स ही मिरर्स लगाए गए हैं, तो इसमें भी बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर भी सेम प्लेनेट अर्थ जैसी सिचुएशन है कि ये कंडीशन यहाँ की कंडीशन भी बहुत ही मतलब जर्जरित है, ना कोई समझाने वाला है ना कोई बताने वाला है, आपको खुद से ही अनुभव करना है। और यहाँ पे मिशन टू मार्स करके एक जो स्टिमुलेटर भी है जिसमें बैठकर आप मार्स पे जाने का अनुभव ले सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका कप्तान। हम गुजरात साइंस सिटी से उड़ान भरने जा रहे हैं और अब हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के परिक्रमा करेंगे। कृपया अपने सीट बेल्ट बांध ले और टेक ऑफ के झटके के लिए तैयार हो जाएं। हॉल ऑफ साइंस से बाहर आते ही आपको इस तरह का ये एक रॉकेट दिखने मिल जाएगा जो यहाँ पर एक डमी रखा हुआ है जहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो निकाल सकते हैं। और वहीं से आगे बढ़ने पर और एक सिमुलेटर आता है जो गेटवे टू इजिप्ट करके है। यहाँ पर ये जो है ये 3D सिमुलेटर है जिसमें आपको ग्लासेस पहन के बैठना होता है, और मुझे मिशन टू मार्स से ज़्यादा इसमें मज़ा आया क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है, इस तरह से आपको अपने ग्लासेस पहन के इसमें बैठना होता है। हॉल ऑफ स्पेस एंड साइंस से बाहर आते ही हम पहुंच गए थे आईमैक्स थिएटर। यहां पर आपको 3D मूवीज दिखाई जाती है जिसकी जो अवधि है वो करीबन 40 से 45 मिनट की होती है, और इसकी जो टिकट्स है वो 150 रुपीज़ पर पर्सन होता है। लेकिन अभी हमने यहां पे ये मूवीज़ देखना स्किप कर दिया क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी,
क्योंकि करीबन 5:30-6 बजने आ गए थे और हमने अब तक सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से इन्होंने सारे कैंटीन्स भी बंद कर दिए थे। तो अभी हम यहाँ से जा रहे बाहर। तो दोस्तों, साइंस सिटी का जो मेरा अनुभव है ये मिक्स एक्सपीरियंस रहा, मैं इसे कहूँगा। ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ना ही मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो अट्रैक्शन थे, जो पुराने अट्रैक्शन थे, उन्हें अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। लेकिन वहीं पे जो नए अट्रैक्शन है ये काफ़ी खूबसूरत है, जिसमें से मैं सिर्फ 2 को देख पाया। जो रोबोटिक गैलरी है ये हमारा बाकी रह गया है और इसके लिए हम वापस भी ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और यदि आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके हर सवाल के जवाब देंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।